अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम तमाशा के साथ मैं हूँ फ़हद शहबाज़ खान। वज़ीर आज़म की ज़ेरे सदारत पंजाब काबीना का इजलास हुआ और 100 दिन के प्लान के हवाले से, पुलिस रिफॉर्म्स के हवाले से और कुछ वज़रा की सरजनिश भी की गई। बहुत सारी चीज़ें हेडलाइंस का दर्जा रखती थी, उन पर भी बातें की गई। तो कुल मिला के सूरत हाल ये है कि हनीमून पीरियड नहीं है किसी भी तरह का, और मसाइल इतने ज़्यादा हैं कि उसमें पुलिस रिफॉर्म से लेकर जिस पर आप गलत और झूठी एफआईआर देंगे और थाने कचहरी के वो चक्कर काटेगा, वो किस तरीके से हालात जो हैं वो नॉर्मलाइज होंगे, ये बहुत बड़ा सवाल है। और ये उन लोगों के लिए भी बहुत बड़ा सवाल या निशान है कि जो सारा सारा दिन सिसकते रहते हैं कि उनकी एफआईआर नहीं कटती। तो आने वाले दिनों में क्या होगा, हालात किस तरीके से बेहतरी की तरफ जाएंगे? इमरान खान साहब ने कल जब एंकर पर्सन के साथ मुलाकात की तो उनका वाजे कहना था कि 3 महीने का टाइम दिया जाए, हालात जो है वो बेहतरी की तरफ जाएंगे। और बहुत सारे सवालात भी उनसे किए गए, DPO पाकपतन के हवाले से तफसीली सेर हासिल गुफ्तगू हुई, दीगर मौजूदात भी जो हैं उन पर भी बात की गई, कफात शारी पर बात की गई, उनसे जो उनके वज़ीर इत्तला'आत पंजाब हैं उनके हवाले से बहुत सारी बातें की गई। आज उन्होंने फिर ज़राए के मुताबिक, ज़राए का ये क्लेम है कि अपने वज़ीर इत्तला'आत और वज़ीर सकाफ़त जो हैं उनकी सरजनिश भी की और उन्हें आखिरी वार्निंग भी दी कि आप मीडिया के साथ और बाकी लोगों के साथ जो है अपने रवैये जो हैं वो बेहतरीन करें ताकि हालात जो हैं वो किसी डगर पर जा सकें। ये वो सारे मौजूदात हैं जिन पर हम बात करेंगे कि कितना बड़ा चैलेंजिंग है। और सबसे बढ़कर ये कि आप ये देखेंगे इमार रोड का अगर अंडरपास भी ब्लॉक होता है इमरान खान साहब के आने की वजह से तो सोशल मीडिया पर टॉप ट्रेंड वो चला जाता है और खान साहब को भी इसका नोटिस लेना पड़ जाता है। हालात यकसर बदल चुके हैं क्योंकि जिस तबके ने इमरान खान साहब को वोट दिया है वो फौरी तौर पर रद्द अमल पर भी आया है, उसने फौरी तौर पर तनकीद भी की है, उसने फौरी तौर पर अपना जो है इनपुट देना भी शुरू किया है कि भाई ऐसे नहीं चलेगा। तो ये वो सारी बातें हैं जिन पर आज हम बात करेंगे। जुगनू मोहसिन साहिबा हमारे साथ होंगी, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, किसी तारुफ की मोहताज नहीं है, मारूफ एंकर पर्सन रही हैं, आजकल वो रुकन पंजाब असम्बली हैं और आज़ाद हसीियत में हैं। और आज़ाद हसीियत में इस वजह से हैं कि उन्होंने अपने हल्के में जाके लोगों से पूछा और लोगों से जांचा कि मुझे क्या करना चाहिए। तो जितने भी इनके वो लोग जो इनको चाहते हैं तो उन्होंने जो वोटर्स भी थे, सपोर्टर्स भी थे, उन्होंने कहा कि आप आज़ाद हसीियत में हुकूमत पर क्रिटिक रहें, आप उनकी पॉलिसीज़ को तनकीद करें और अपनी एक आइडेंटिटी जो है उसे बरकरार रखें, कायम रखें। जुगनू साहब आपका बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ लाएँ। साथ हमारे फैसल मीर साहब, आप किसी तारुफ के मोहताज नहीं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मारूफ नाम, बहुत शुक्रिया मीर साहब आपका। नुमान कैसर साहब, पाकिस्तान तहरीकन साहब से आपका ताल्लुक, बहुत शुक्रिया नुमान साहबा। जुगनू साहबा, मैं गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करूँगा, मैं ऐसे जानना ये चाह रहा हूँ कि बाकी बातें तो सारी हम बाद में करेंगे, आज के दिन तक हुकूमत की पॉलिसीज, जिस तरीके से हुकूमत लेके चीज़ों को चल रही है और पंजाब के हालात, फेडरल के भी सारे, आप समझती हैं कि सही डगर पे चीज़ें जा रही हैं और हालात जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता बेहतरी की तरफ जाएंगे और 3 महीने का मौका देना भी चाहिए? अगर खान साहब कह रहे हैं, पीपल्स पार्टी ने साथ ये भी कहा, बाकी जमातों ने भी कहा कि हमारे लिए तो 1 दिन का भी मौका नहीं मिलता था, आज एतज़ाज़ असन साहब थोड़ी देर पहले फरमा रहे थे कि हमें तो 1 मिनट का मौका नहीं मिलता, तो 3 महीने का अगर कोई मौका मांग रहा है तो इसे कैसे दिया जाए, क्या टेक है जुगनू साहिबा? शुक्रिया फहद, मैं समझती हूँ कि ये हुकूमत जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, ये इस वक्त कन्फ्यूजन का शिकार है, कुछ इनकी पॉलिसीज नज़र नहीं आ रही। अगर ज़ाती तौर पे इनके वज़रा से बात की जाए या इनके जो थिंक टैंकर्स हैं उनसे बात की जाए तो कई जगह कॉन्फ्लिक्ट्स नज़र आती हैं। मसलन एक बुनियादी कॉन्फ्लिक्ट, अब देखिए ना, सबसे बड़ा तो मईशत का बहरान है और एक बुनियादी मसला जो है वो ये है कि आपने निजकारी करनी है या नहीं करनी, प्राइवेटाइजेशन करनी है या नहीं करनी। अब मैं आपको ब्रेकिंग न्यूज़ ये दे रही हूँ कि PTI की फाइनेंस टीम जो है उसके अंदर इस वक्त बहुत बड़ा और खुला कॉन्फ्लिक्ट है और एक ग्रुप है जो कह रहा है निजकारी करनी है, प्राइवेटाइजेशन करने के बगैर गुजारा नहीं, और दूसरा इक्वली स्ट्रांग ग्रुप है जो कह रहा है बिल्कुल नहीं करनी। और इस किस्म की चीज़ें हैं, ये तो अभी पसे पर्दा है, लेकिन जो चीज़ें सामने आ रही हैं वो ये हैं कि इनके वजीर सकाफत और इत्तला'आत वगैरह उन्होंने जिस किस्म की नाज़ेबा गुफ्तगू की है नरगिस साहिबा के बारे में या जिस तरह उन्होंने मीडिया के साथ रवैया इख्तियार किया है, ये एक निशानदेही करता है कि माजरत से कहना पड़ता है तहरीक इंसाफ में जो एक खवातीन के बारे में एक रवैया है उसकी आकासी करता है। और फिर ये कहना कि जी आते सार के जी हम तो बिल्कुल ऑस्टेरिटी को अडॉप्ट कर रहे हैं और हमने बिल्कुल कोई लग्जरी नहीं इस्तेमाल करनी, कुछ नहीं। भाई आप जब GHQ गए हैं
तो आपको वहां पर बताया गया है कि आपके ऊपर थ्रेट्स हैं, बैरूनी थ्रेट्स हैं, आपको एक बुनियादी सिक्योरिटी इस्तेमाल करनी पड़ेगी। आप रोज हेलीकॉप्टर लेके आ जा रहे हैं, गो कि वो सिर्फ 55 रुपए पे उसकी पर किलोमीटर कीमत मुहित है, लेकिन पर किलोमीटर, लेकिन लेकिन फिर भी उनको सिक्योरिटी लेनी पड़ रही है। तो इसलिए मैं कहती हूँ, बड़े बोल ना बोले, हल्के हल्के चलें। आपको मैं याद दिलाती जाऊं फहद कि अभी हाल ही में हमारे एक वजीर आजम थे जिनका नाम था शाहिद खाकान अब्बासी, उन्होंने इतनी इनकिसारी से, इतनी सादगी से अपना वक्त गुजारा वजारत उज़्मा में, और उन्होंने प्रेशर के बावजूद कोई ऐलान नहीं किया, ठीक बात, कुछ नहीं कहा उन्होंने, लेकिन उन्होंने बहुत सादगी अपनाई। तो खान साहब को बड़ा बोल नहीं बोलना चाहिए, बस अपनी पॉलिसीज जो है ना उनको घड़े और जल्दी करें, क्योंकि यहां पर कोई हनीमून पीरियड देने को तैयार नहीं है। ठीक हो गया मीर साहब, मैं यही बात आपसे पूछना चाह रहा हूं कि ये काबीना को बताया गया और 3 महीने का टाइम भी, और साथ में पुलिस रिफॉर्म्स भी हैं पंजाब में जो है हालात बेहतरी के लिए, साथ फ्लाई मंसूबे, सेहत पर, तालीम पर बेहतरीन तरीके की पॉलिसीज, और साथ उनका कहना है कि उनकी टीम की सिलेक्शन बहुत बेहतरीन है, बीइंग अ ऑपोजिशन क्या समझते हैं आप? जो काबीना जो देखने में आई आज पंजाब की, उसमें तो इस तरह लग रहा था कि मुशर्रफ के 60-70% लोग उनके दौर की याद आ गई, और इमरान खान साहब उन मिनिस्टर्स में से अक्सरियत को दूसरी या तीसरी दफा मिले, इंक्लूडिंग बुज़दार साहब। तो जो ओनली जो एजेंडा के ऊपर सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी वो ये थी कि जो अलीम खान साहब से रिलेटेड है कि वो भी प्रॉपर्टी के बिजनेस में है, कब्जे शब्द उनके प्रॉपर्टीज पे भी होते हैं, उनके ऊपर भी इल्जाम लगता है, वो क्या कह रहे हैं आप? तो वो ये खान साहब ने अनाउंस किया कि लाहौर में से तमाम प्रॉपर्टीज माफिया जो है उसको खत्म कर दिया जाए। सो खान साहब ने आज सिर्फ अलीम खान साहब के बारे के हवाले के बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात की, उन्होंने कोई सेहत के बारे में बात नहीं की, उन्होंने कोई तालीम के बारे में बात नहीं की, उन्होंने किसी हेल्थ के बारे में बात नहीं की। दूसरा, आप कह रहे थे कि 3 महीने का टाइम, तो 3 महीने का टाइम इनको मीडिया बिल्कुल दे सकता था कि इनके जो छोटे छोटे ब्लंडर है ना, जो फवाद चौधरी ने ये कह दिया या चौहान साहब ने कह दिया या शहरी उसने थप्पड़ मार दिया इमरान शाह ने, उनको तो पाकिस्तानी कौम डाइजेस्ट, 30 लाख रुपया डैम में जमा करवाना पड़ा, उनको तो पाकिस्तानी कौम डाइजेस्ट भी कर रही है, हंस भी रही है और शौक में भी है। लेकिन जो इंटरनेशनल ब्लंडर्स कर रहे हैं, सबसे पहले आपको जूतियां मारी शाह महमूद कुरैशी के बयान के ऊपर पूरे पाकिस्तान को इंडिया ने, उसके बाद आप पोम्पियो के ऊपर आपने कहा जी के अमेरिकन ने कहा कि आप झूठ बोल रहे हैं, हमने कहा नहीं जी तुम झूठ बोल रहे हो, उन्होंने आपको ट्रांसक्रिप्ट आपने पकड़ा दी। अब इस जो सबसे बड़ा इशू अब नया खड़ा कर दिया इन्होंने, कल जी फ्रांस के वज़ीर आज़म ने मुझे फोन कॉल की और मैंने कहा जी मैंने तो बात ही नहीं करनी कोई भी, ओह कम ऑन इमरान खान व्हाट आर यू डूइंग, आप ऐसी बात कर रहे हो विच इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल कि वो फ्रांसीसी सारे हंस रहे हैं, यूरोपियंस के एक ऐसा प्राइम मिनिस्टर जिसके बारे में सारा पाकिस्तान रो रहा था कि हमें ट्रंप ने फोन नहीं किया, उसको जब प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस ने फोन किया उसने कहा मैंने बात ही नहीं करनी। अब बात यह है कि सारी दुनिया को पता है कि पहले एक स्केड्यूल होती है, कोई लाहौर में आपने किसी मिडिल क्लास बिजनेसमैन के पास भी जाना हो तो आपको उसके सेक्रेटरी से टाइम लेना पड़ता है, वो तो आप प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट्स की बात कर रहे हैं, तो ये सारी स्केड्यूल्ड मीटिंग होती है। इस तरह की यानी कि इमेच्योर जो अपने बारे में आप प्रोपोगेट कर रहे हैं, इससे आपको मिलना क्या, आपको कोई बैज मिलना है या आपको कोई कप मिलना है, इससे इसका कोई फायदा नहीं सवाए इसके कि आप पाकिस्तान को इंटरनेशनल फोरम के ऊपर रुसवा करें। बिल्कुल सही है नुमान कैसर साहब, मेरा ख्याल है कि सवाल करने की तो मेरे पास गुंजाइश ही नहीं छोड़ी ना जुगनू मोहसिन साहिबा ने ना मीर साहब ने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, देखें जो जुगनू साहिबा ने बात की है ना उसको मैं क्लियर कर दूं कि इमरान खान साहब ने किसी भी किस्म की कोई बुलंदोबांग दावे नहीं किए, बल्कि उनका जो सादगी का मैसेज था ना जी कि मैं प्राइम मिनिस्टर हाउस के तमाम अखराजात ख़त्म कर दूंगा, किसी भी किस्म के मैं उसमें पुरतेश अखराजात को अपनी ज़ात पर इस्तेमाल नहीं करूंगा, इनफैक्ट वो एक पैगाम देना चाह रहे हैं अपनी आवाम को भी जिनके टैक्स के पैसे को 25 लाख रुपया रोज़ाना की बेसिस पे खर्च होते थे प्राइम मिनिस्टर हाउस पे, कि भाई तुम्हारे दिए हुए टैक्स के पैसे को सही जगह पर इस्तेमाल किया जाएगा, ना कि इसको अय्याशी के तौर पर। दूसरा, जो क्रेडिट हम लेते थे इंटरनेशनली, हम कर्जा लेते थे फिर उस पर सूद देते थे, उनको भी पैगाम ये गया है कि हम अपने अखराजात को कम से कम करेंगे और हम उन फजूल अखराजात को बिल्कुल ख़त्म कर देंगे। वो दावा नहीं था, दरअसल ये पैगाम दिया और अपनी जात से शुरू करके पैगाम दिया कि इसको ऐसे ख़त्म किया जाएगा, ठीक है, वो किसी किस्म का दावा नहीं था जी। अच्छा ठीक हो गया जुगनू साहब, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि आपने तो
बुज़दार साहब को वोट भी दिया था और परवेज इलाही साहब को भी दिया था, तो आप उनकी पॉलिसीज पे तनकीद भी साथ कर रही हैं, तो वो वोट फिर आपने क्यों दिया था? फहद इसलिए वोट दिया था कि चौधरी परवेज इलाही साहब और चौधरी शुजात हुसैन साहब हमारे पड़ोसी भी हैं गुलबर्ग में जहाँ मैं रहती हूँ, और उनके साथ बड़े पुराने देरीना ताल्लुकात हैं मेरे भी और नजम के भी, मेरे शौहर नजम सेठी के, और उनको हम अच्छी तरह जानते हैं। हमें मालूम है कि परवेज़ इलाही साहब और चौधरी शुजात हुसैन साहब दोनों रवादार शख्सियात के मालिक हैं और उनमें एक वजादारी भी है, और उन्होंने जब घर आके मुझसे कहा कि आप हमारी बहन हैं और हम चाहते हैं कि अगर आप समझती हैं कि मुझ में एक स्पीकर की क्वालिटीज़ हैं तो मुझे सपोर्ट कीजिएगा, और मैंने इसको समझा कि रवादारी स्पीकर के लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि उन्होंने दोनों साइड्स ऑफ द हाउस को चलाना होता है। फिर चौधरी परवेज़ इलाही एक कामयाब वज़ीर आला भी रह चुके हैं पंजाब में, और नून लीग का जो हाफ ऑफ द हाउस है उसको भी वो बखूबी जानते हैं, और ये पीटीआई के साथ क्योंकि इनका एक इलहाक है तो उनको भी जानते, तो मैंने समझा कि स्पीकर की पोजीशन के लिए चौधरी परवेज़ इलाही मौजू शख्स हैं और इसलिए मैंने उनको वोट दिया। अब मैंने अपने हलके में जब जाकर लोगों से मशवरा किया, मैंने लोगों का शुक्रिया अदा किया, पहले तो उन्होंने मुझे इतनी भरपूर कामयाबी से आज़ाद हैसियत में कामयाब किया, वो भी एक रिवायती इलाके में एक खातून होने के नाते तकरीबन 22,000 वोट की लीड दी, तो मेरा बनता था लोगों से शुक्रिया जाके अदा करना, हार भी जाते तो फिर भी लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहिए। जगह जगह मैंने अपने हलके में लोगों से पूछा, और हमारी हलके की आबादी पीपी 184 की तकरीबन 4 लाख लोगों पर मुहित है, और जहाँ जहाँ मैं गई मैंने कहा आप बताइए जो आप हुक्म करेंगे मैं करूंगी, आप क्या चाहते हैं? तो उन्होंने कहा हम चाहते हैं कि आप अपनी आज़ाद हैसियत बरकरार रखें क्योंकि हम अपनी इनफरादी पहचान चाहते हैं, मीडिया पे भी चाहते हैं और हम सूबे की सतह पे भी अपनी इनफरादी पहचान चाहते हैं। दूसरी चीज़ हम ये चाहते हैं कि जो भी हुकूमत बनाने की पोजीशन में हो, चाहे वो नून लीग हो, चाहे वो क्यू लीग हो, चाहे वो पीटीआई हो, आप एक मरतबा उनके नामजद वजीर आला को एतमाद का वोट जरूर दीजिएगा क्योंकि हम चाहते हैं कि पंजाब में मजबूत हुकूमत हो और हम चाहते हैं कि उनको हमारे बारे में मालूम हो कि हमने उनको एतमाद का वोट दिया। तो जब चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने मेरी सरदार उस्मान बुज़दार के साथ मुलाकात करवाई तो उनके साथ गैर रस्मी भी थोड़ी सी बातें हुई, और फिर मैंने उनसे ये पूछा, मैंने कहा कि सरदार साहब आप एक पसमानदा इलाके से ताल्लुक रखते हैं, मैं भी एक पसमानदा इलाके से ताल्लुक रखती हूँ, गो के उकाड़ा जहाँ पर मेरा हलका है पीपी 184 वो लाहौर से 1.5-2 घंटे के फासले पे है, लेकिन वहाँ पसमानदगी का ये हाल है कि साफ पानी पीने का नहीं है, तकरीबन 40% आबादी को हेपेटाइटिस सी है, वहाँ पर थाने जो हैं वो सियासत से पाक नहीं हैं, लोगों को इंसाफ नहीं मिलता, इंतज़ामिया जो है वो संग दिल है, और इस किस्म के और एजुकेशन और हेल्थ की तो बात ही ना करें, रोज मुझे इतने लोगों के फोन कि हमारा इलाज मुआलजा, हमारी बेबसी। तो मैंने कहा कि पसमानदगी डेरा गाजी खान में भी है, पसमानदगी उकाड़ा में भी है, तो इसके बारे में कुछ करना है आपने, और मैं चाहती हूं कि बुनियादी सतह पे जाके लोगों के पास इख्तियारात, इख्तदार नहीं इख्तियारात भी मुंतकिल हों, फंड भी जाए, और ये बलदियाती निज़ाम जो है ना आप लोगों का जिसके बारे में आप बारहा बात करते हैं, मैं इसकी सपोर्टर हूं, मैं चाहती हूं कि ये काम हो। उन्होंने मुझे इस चीज़ के बारे में अश्योरेंस दिलाई और कहा बीबी हमारे मंशूर का ये एक संगे बुनियाद है कि बलदियाती निज़ाम हो और पावर जो है वो मुंतकिल हो, ग्रास रूट्स पे मुंतकिल हो। मैं इस चीज़ की कायल हूँ कि MPAs और MNAs का काम है कानून साजी, हमारा काम ये नहीं है कि हम फंड लेके हुकूमत से और अपनी मर्जी से ठेकेदारों को दें और उसके अंदर से रिश्वतें खाएं और अपनी प्रॉपर्टीज बनाएं। बदकिस्मती से यह कहना पड़ता है कि जितना मैंने देखा है ग्रास रूट्स पे, MNAs और MPAs ने तो एक कारोबार बना लिया है सियासत को, हर बंदा जो 4-4 चप्पे का मालिक होता है वो उठ के अगर कोई किसी फ्लूक से इलेक्शन जीत जाए तो वो फिर अपने बच्चों के लिए और अपने लिए जायदाद बनाने में मसरूफ हो जाता है, हुकूमत से फंड लेता है और कंट्रैक्टर को देता है और बिल्कुल थर्ड रेट वहां पर काम होते हैं, सड़कें बनती हैं टूटती हैं, इमारतें बनती हैं टूटती हैं, MNA MPA साहब की जेब में जाता है सब कुछ और उससे अपनी प्रॉपर्टीज बनाई जाती हैं और लोगों तक कुछ भी मुंतकिल नहीं होता। तो इस तरह बलदियाती निजाम को मजबूत करना जरूरी है। ये बुज़दार साहब ने मेरे से बात की, मुझे अच्छी लगी, फिर उन्होंने एक निजी बात की जो मुझे और भी अच्छी लगी, तो मैंने उनसे पूछा वो क्या बात? मैंने पूछा सरदार साहब आपके कितने बच्चे हैं, तो कहने लगे कि मेरी 3 बेटियां हैं। तो मैंने कहा आप एक रिवायती इलाके से ताल्लुक रखते हैं
आपको बेटे की कमी नहीं महसूस होती? तो उन्होंने मुझे कहा कि बिल्कुल नहीं बहन, मुझे मेरी बेटियाँ बेटे हैं और वो डेरा गाजी खान में एक स्कूल में पढ़ती हैं जो बड़ी खुश हैं, और आप मुझे मशवरा दें कि क्या मैं उनको लाहौर मुंतकिल करूँ कि ना करूँ। तो मैंने कहा देखिए, मैं समझती हूँ कि जहाँ माँ बाप रहें वहीं बच्चों को रहना चाहिए और आप बच्चियों को लाहौर ज़रूर मुंतकिल करें। मुझे ये बात उनकी अच्छी लगी, उसके अलावा मेरी उनसे कोई बात नहीं हुई। मैं उनकी अबिलिटीज़, उनकी जो मालूमात हैं या जो उनकी कैपेसिटी, उसके बारे में कुछ नहीं जानती, कुछ नहीं कहती, कुछ नहीं कह सकती। ये वो वजूहत बनी जिसकी वजह से आपने बुज़ार साहब को जो है वो वोट दिया, ये वो सारी वजूहत जो आप फरमा रही हैं। अच्छा मीर साहब, ये बड़ी बुनियादी बातें जुगनू बीबी ने की हैं, तो इसमें मुझे ये बताइएगा कि आप जूं जूं लाहौर से मुजाफाती इलाकों में चलते जाएं तो वहाँ लॉ एंड ऑर्डर की हालात तो लाहौर से भी ज़्यादा खतरनाक है, और बा असर और बा इख्तियार लोग आपस में सारा दिन मीर साहब बातें करते हैं, वो कहते हैं कि हमारा ये हाल है, हमारी सुनवाई नहीं है, जो इतने बा असर लोग हैं तो गरीब बंदा सारा दिन क्या करता होगा और किस भाव उसकी बिकती होगी, तो किस तरह ये सारा मिजाज और ये सारा कल्चर और चीजें कैसे तब्दील की जा सकती हैं? मीर साहब देखिए जी, ये जितनी बड़ी जिस नहज पे लोगों की एक्सपेक्टेशंस खान साहब ले गए हैं और उसमें ये सारी चीजें भी शामिल हैं कि थाना कल्चर बदलेगा और जो स्कूलिंग जो है वो प्रॉपर होगी, एजुकेशन प्रॉपर होगी, एक नहीं दो पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल खत्म हो जाएंगे, सारे लोग जो है वो पब्लिक स्कूल में पढ़ेंगे, और उसके बाद थाने कल्चर के हवाले से मैं थोड़ी सी बात करूंगा क्योंकि बुज़दार साहब का जिक्र कर रही थी जुगनू बीबी, तो बुज़दार साहब को तो अब चीफ जस्टिस साहब का सामना करना पड़ेगा, वो जो डीपीओ साहब वाला केस है, डीपीओ और खबर मानेका वाला, तो उसमें मेरा ये एक ग्लेरिंग एग्जांपल है कि नारा ये मारा गया था कि हम पुलिस में रिफॉर्म्स करेंगे लेकिन उल्टा पुलिस को टाइट किया जा रहा है अभी तक जो हमें खबरें मिल रही हैं। तो मेरा ख्याल ये है कि ये जो इतना बड़ा ये स्कैंडल बन गया है, इसकी तमाम जिम्मेदारी इमरान खान साहब पे आयद होती है, और क्योंकि ये डायरेक्टली उनकी फैमिली के साथ कनेक्टेड है, और खान साहब को चाहिए था कि जैसे वो पावर में आए उनको चाहिए था कि जो इनकी इमीडिएट फैमिली थी और जो बुशरा बीबी की इमीडिएट फैमिली थी, जो जिस तरह जमैमा को आज भी वो मिलते हैं, अपने बच्चों को भी मिलते हैं, बुशरा बीबी अपने पांचों बच्चों को भी मिलती हैं, उनको भी खावर मानेका सबको भी मिलती हैं, तो इन 8-9 लोगों को प्राइम मिनिस्टर की अगर ये इमीडिएट फैमिली डिक्लेयर कर देते हो और उनको उसी तरह की उसी तरीके से ट्रीट किया जाता, प्रोटोकॉल दिया जाता उसी तरह का, तो आज ये इतना बड़ा क्राइसिस जो है, जो कि जिसमें कि चीफ मिनिस्टर को सस्पेंड करने की, वो डिस्क्वालीफाई करने की बात कर रहे हैं सीजे साहब कि ये 62(1)(f) के तहत उनको मैं डिस्क्वालीफाई कर सकता हूं, तो अभी भी अगर खान साहब इसको या तो उनको डिसोसिएट कर लेंगे, जी मेरा कोई ताल्लुक नहीं है मानेका फैमिली से या बुशरा बीबी की जो पुरानी फैमिली है, अगर उसको वो ओन करते रहेंगे तो ये प्रॉब्लम 5 साल मजीद लिंगर ऑन करेगा, ये इश्यूज बार बार खड़े होंगे और क्रेडिबिलिटी जो है पीटीआई की जो इतनी अच्छी थी उसके ऊपर बार बार आएंगे, और बुज़दार साहब को बीच में क्योंकि एक डिक्टेट किया गया वो उनको बुज़दार साहब को बिठा के कि जनाब ये उनके दोस्त हैं और इनको आप सस्पेंड करें, और वो एक ही वॉज अ नो बॉडी हु सस्पेंडेड द डीपीओ, तो ये चीजें जो है ये हॉन्ट करेंगी, इनको खान साहब को चाहिए कि अपनी या तो उनको डिसोसिएट करें या उनको डिक्लेयर करें कि ये मेरी इमीडिएट फैमिली है एंड दे शुड बी ट्रीटेड एज फैमिली ऑफ प्राइम मिनिस्टर इंक्लूडिंग खावर मानेका एंड इंक्लूडिंग हिज 5 किड्स। नुमान कैसर साहब, ये सुप्रीम कोर्ट में अब चूंकि मसला चला गया तो इसमें क्या आपका टेक है और किस तरीके से फिर रिफॉर्म्स करेंगे अगर इस तरह की एग्जाम्पल्स जो है वो बाहर आती गई? गुजारिश ऐसे है कि जो जुगनू साहिबा ने पहले गुफ्तगू की ना जी, वो बड़ी शानदार बात उन्होंने की कि सवाब दीदी फंड जो हमेशा से प्राइम मिनिस्टर दे देते थे एमएनएस को और फिर एमएनएस को अलहदा से ग्रांट भी दी जाती थी। अच्छा मेरी गुजारिश मैं बता दूं ना, मैं वापस आता हूं, एक मिनट रुक जाइए मुझे। जी जी उस्मा बुखारी साहब मुस्लिम लीग नून की रहनुमा हमारे साथ मौजूद है। बुखारी साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। बुखारी साहब मुझे ये बताइएगा कि ऑपोजिशन जो है वो तो ठीक है आप कर रहे हैं अच्छे तरीके से, लेकिन इमरान खान साहब का लाहौर का दौरा, फिर काबीना का इजलास और इससे अब तक की जो पॉलिसीज तहरीक इंसाफ की आप देख रही हैं, ऑपोजिशन के तौर पर कितने आप लोग मुतमईन हैं, कितने खुश हैं, कितने नाखुश हैं, क्या टेक है आपका? शुक्रिया। देखिए हमारी खुशी नाखुशी की तो बात नहीं है, बात उस अवाम की है जिसको तब्दीली के एक दावे के ऊपर जिनसे वोट लेने की कोशिश की गई थी। अब जो शुरू करते हैं प्रोटोकॉल से, जिन्होंने कहा मैं प्रोटोकॉल नहीं लूंगा, आपके खुद के चैनल ने भी दिखाया और सारी दुनिया दिखा रही है कि जिस तरह से मेन कैनाल रोड बंद आज तक नहीं हुई थी किसी भी वजीर आजम के लिए, किसी भी सदर के लिए, कैनाल रोड तक बंद की गई,
माल रोड बंद की गई, पूरा कर्फ्यू का आलम जो है वो जब वजीर आला साहब निकलते हैं तब भी होता है, प्राइम मिनिस्टर साहब दो दिन रहे हैं तो वो एक पूरी दुनिया ने तमाशा देखा है। तो ये पहले तो इनके ये दावे प्रोटोकॉल के, उसके बाद जो ये खावर मानेका वाला केस है, जो एक तब्दीली जो पंजाब पुलिस को उन्होंने गैर सियासी केपी की तरह करना था, वो केपीके से तब्दीली जब चली पंजाब की तरफ तो फिर उसका हाल ये हुआ कि वो एक सहेली के जो खावंद मोहतरम है वो किस तरह बैठकर सीएम के साथ जो है वो एक पुलिस अफसर को जो है वो झाड़ते भी हैं और उनकी ट्रांसफर भी कराते हैं, और आज भी मोहतरमा खतून अव्वल साहिबा जो है वो उसी सहेली के साथ मुख्तलिफ जगहों पर। अच्छा, उसमें साहिबा मुझे शॉर्ट ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद आप यहीं से कंटिन्यू करेंगे। शॉर्ट ब्रेक जी, आप लोग हमारे साथ रहिए और बहुत सारे दीगर मौजूदात हैं जिन पर बात करनी है। शॉर्ट ब्रेक।